गाइज, वैसे तो यूट्यूब ने बहुत सारे अपडेट किए हैं, आज मैं आपको तीन मुख्य अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी है मोनेटाइज के बारे में, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक स्किप ना करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहले 1000 सब्सक्राइबर पर ही आपको कम्युनिटी टैब मिलता था, लेकिन अब इसे यूट्यूब ने घटा करके 500 सब्सक्राइबर यानी 500 सब्सक्राइबर भी ये कम्युनिटी टैब कर दिया गया है। जिसके 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे उसके पास में कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आ जाएगा। और नंबर टू, यूट्यूब विचार कर रहा है कि YT स्टूडियो जो आप मोबाइल में यूज करते हो उसमें कुछ फेर बदल कर और स्मार्ट बनाया जा रहा है। आप जैसे डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर जो करते थे वो सारे फीचर आपको मोबाइल में ही मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हो। अगर आप नया YouTube चैनल को मोनेटाइज के लिए पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करना पड़ता था एक साल के अंदर। एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी, 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए था, ये सब रिक्वायरमेंट था। और उसके साथ में एक मैन थीम होनी चाहिए थी, YouTube रिव्यू करेगा। जिसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे चैनल इन रूल्स के चक्कर में रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी मोनेटाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी तक आपको दो ऑप्शन मिलते थे कि आप टेक्स्ट करके अपील करो या फिर आप री अप्लाई करो 30 दिन के बाद। जैसे मैन रूल है मैन थीम का कि आप मैन थीम होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी यूट्यूब की टेक्निकल टीम भी इनको नहीं समझ पाती है और कंफ्यूजन में चैनल को मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। फिर आप यूट्यूब को टेक्स्ट करते हैं, कभी कभी आप अंग्रेजी में अपनी बात सही से नहीं समझा पाते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए एबल है। आपको यूट्यूब अपनी लोकल भाषा में, नंबर 3, आप यूट्यूब आपको ऐसी सुविधा देने वाला है कि आप वीडियो में आप खुद वीडियो बनाइए आपकी लोकल भाषा में, जैसे हिंदी तो है ही, जहाँ भी हैं आप अपनी लोकल भाषा में अपनी वीडियो बनाइए और उसको समझा दीजिए, और इंग्लिश में सबटाइटल भी डाल सकते हैं। तो आपका चैनल बिल्कुल सही है, मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है, आप बता सकते हो। तो फिर वो डिसेबल से आपको एबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का। तो इसके साथ ही मिलते हैं आप।